नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बता दिया था कि 17 तारीख के लिए प्रस्ताव भेजा गया है पीएनपी से, जो कि अभी ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गई है। और मेरी वीडियो पिछली वीडियोस में या चेक कर सकते हैं, आपको यहां पर वही कंटेंट दिया जाएगा जो 100% ऑफिशियल होगा और जो ऑथेंटिक होगा। आपको सटीक न्यूज़ यहां इस चैनल से मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, जूनियर एडिट कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी तिथि ऑफिशियल घोषित करी जा चुकी है। यदि किसी साथी को यह प्रपत्र चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो आज परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी ने यह विषय है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में है। जैसा कि आपको इस चैनल पर पहले ही बताया जा चुका है, 17 तारीख को भेजा जाना था, प्रस्ताव भेजा जा चुका था, जिस पर आज वह आपके सामने ऑफिशियली भी आ गया है, जिसमें मंडल स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि 10/9/2021 है। केंद्रों को सॉफ्ट कॉपी भेजने की 15/9/2021 है। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि 5/10/2021 है। NIC लखनऊ द्वारा उपस्थित पत्रक की तिथि 8/10/2021 है। अभ्यर्थियों के स्कैन किए गए फोटो युक्त उपस्थित पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि है 12/10/2021। और उसके पश्चात सबसे बड़ी डेट जिसका बेसब्री से इंतजार था, परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि आपकी 17/10/2021, जो मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं और यह आज सच हो गई है। यहां पर आपको एकदम सटीक करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, जो कि पूरी ऑथेंटिक होगी। यहां पे किसी भी प्रकार की भ्रामक न्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी चैनल पर। उसके पश्चात इसमें लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला वेबसाइट 21/10/2021 अपराह्न में, उसके बाद वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला ऑनलाइन आपत्ति करने के लिए 25/10/2021 तक, उसके पश्चात है आपत्ति विशेष विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर लोड करने की तिथि 10/11/2021, उसके बाद विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल 12/11/2021 में आपके बीच परीक्षा फल भी आ जाएगा 12/11/2021। तो साथियों, जो भी मेरे साथी जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे थे, वह सभी एकदम कमर कस के अच्छे से पढ़ाई करिए। यदि आपको पढ़ाई में कोई भी समस्या है, चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच शेयर कीजिएगा। यह चैनल आपके लिए हमेशा है समर्पित रहेगा। सटीक और इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही सटीकता के साथ नई नई वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।